वर्कफुट लॉयंस की टीम ने पहला मैच एक बड़े मार्जिन से जीता था। ध्रुव जोरेल ने रन बनाए थे और उनके साथ आर्यन ने सेंचुरी भी बनाई थी। काशी रुद्राज, करण शर्मा, पिछले सीजन इन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए थे। फाइनल मुकाबले में 6 रन पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, लेकिन पावर प्ले 6 ओवर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं टॉस जीतकर बैटिंग करने के बाद, ये काफी देखना दिलचस्प रहेगा। बड़े रन की दरकार है अभिषेक गोस्वामी से ध्रुव जोरेल, और इन्होंने तो जो पिछले 1.5 साल में सीढ़ी चढ़ी है ना जी, इनकी बल्लेबाजी तो देख के मजा आया है। सुनील कुमार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, प्लेस द कॉल। आगे पिच कराने की कोशिश, थोड़ी सी स्विंग हासिल करने की कोशिश सुनील के द्वारा। इस बार गैप में 4 रन मिलेंगे एक ऑथेंटिक ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के थ्रू। ये शॉट कमाल का है भाई, जबरदस्त शॉट खेला गया है। अच्छी टाइमिंग, गैप में भी है और 4 रन भी मिलेंगे। गैप में क्या जबरदस्त टाइमिंग है। अब यहां पर स्कूप शॉट, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही शानदार। ओवर की समाप्ति हो गई। यहां वी रीजन आगे भी तो है, क्यों छोड़ेंगे उसे जुरेल। फीड करेंगे फील्डर को आसानी से और ये भी 4 की ओर दौड़ेगी गेंद। बारे किनारा लग गया, बहुत बड़ा विकेट ये। अभिषेक गोस्वामी, उनको जाना होगा वापस। राइट आर्म पेस बॉलर चौधरी ने ये विकेट लिया है। दबाव थोड़ा बढ़ रहा था, अब जरूरत थी थोड़ा एक्सेलरेशन करने की, उसी की कोशिश में ये पहला विकेट गिर चुका है। ओपनिंग बैटर अभिषेक गोस्वामी 11 रन बनाकर वापस। आर्यन जुयाल आ चुके हैं, शतक वीर। मारिए, खुलकर मारिए, और मारा भी, सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया। ताकत का भी जुरेल, क्यों रहेंगे पीछे, उस गेंद को और पीछे भेज दिया है। लीजिए इनसाइड आउट और आउट ऑफ द ग्राउंड। अच्छी गेंद, फर्म कट किया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और अपना अर्धशतक भी पूरा किया है सिर्फ 28 गेंदों में। डाउन द ट्रैक आकर के जबरदस्त प्रहार, 4 रन, फुल स्ट्रोक, गैप में गया है, करारा स्ट्रोक, स्टैंड्स में जाएगा। फुल टॉस, कैच का कॉल है लेकिन फील्डर के ऊपर से 6 रन। ये देखिए लो फुल टॉस, उसको कनेक्ट किया है सीधे मिड विकेट क्षेत्र में। ये कैच हो सकता था लेकिन मिस फील्ड हुआ यहाँ पे, बहुत इजी कैच था ये। बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास इस ओवर में, इस बार एक लॉफ्टेड स्ट्रोक है, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर, कैच कर लिए जाएंगे। लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास, शिवा सिंह ने एक आसान सा कैच लिया है बाउंड्री पर, और प्रिंस ने पिछला ओवर शानदार किया था। ध्रुव जोयाल 34 बॉल पे 66 रन, 109 पे 2। अक्षदीप नाथ नए बल्लेबाज आए हैं, इनका स्ट्राइक रेट है 141। धमाकेदार शॉट ये, वो हमें जोयाल के बल्लेबाजी में नजर आती है। रनआउट का चांस वहां पर, डायरेक्ट हिट अगर लगता तो फिर अंपायर को जाना पड़ता थर्ड अंपायर की तरफ। ये शॉट सही है और इस बार लगाया है अक्षदीप नाथ ने, जबरदस्त शॉट, कड़क शॉट है ये, और ये तो बैट पे लगते ही छह। लीजिए एक और उसी दिशा में, राज मौका है इनके पास एक बार फिर से अर्धशतक बनाने का। स्लोर गेंद, 1 रन लिया, अर्धशतक पूरा, दूसरा अर्धशतक, इस सीजन की धमाकेदार शुरुआत आर्यन के द्वारा। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कैच कर लिए गए बाउंड्री पर, एक बार फिर से पेस ऑफ और सुनील को मिलता हुआ पहला विकेट। ज्यादा तारीफ कर दी। आर्यन जोयाल अच्छी फॉर्म में है, कल शतक लगाया था और आज 52 रन की पारी खेलते अपनी टीम के लिए 35 गेंदों में। गोरखपुर लायंस 156 पे थी, थोड़ी रिलीफ जरूर मिली है, एक्सेलरेशन कर रहे थे, एक विकेट मिला, लेकिन स्ट्राइक रेट 171 की है सिद्धार्थ की। फ्लिक किया है हवा में, ओ कैच ड्रॉप कर दिया गया, चूक हुई जी यहाँ पे, और ये भारी पड़ सकती है, अटल बिहारी थे वहां पे। एक बार फिर से मौका है,
इस बार चूक नहीं करेंगे, इस बार पकड़ लिया जी उन्होंने कैच, फिर से सुनील ने विकेट दिलाई है। इसी ओवर में दोनों ऐसे बल्लेबाजों को आउट कर दिया उन्होंने, गति नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, लगातार धीमी गति से गेंद डाल रहे हैं और उसका पूरा फायदा मिल रहा है उनको। अक्षदीप नाथ आउट हुए 26 रन बना करके 159 फॉर 3 गोरखपुर। बल्लेबाज है हरदीप, उनका स्ट्राइक रेट 215 के आसपास। हवा में है, फील्डर मौजूद वहां पर और एक बार फिर से कैच को ड्रॉप कर दिया है। चूक हो गई, जज नहीं किया जी अच्छे से उन्होंने। जब वो गेंद हवा में थी ना वो लगातार लहरा रहे थे, और जब भी कहा जाता है कि अगर आप जब वो हाई कैच होता है ना जितना गेंद के नीचे आ जाएंगे उतना बेहतर है। स्लोर बॉल है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार मिलेगी बाउंड्री। इस समय चेंज ऑफ पेस पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था, फील्डर वहां पर मौजूद, झूमते हुए कैच कर लिया है उन्होंने और तीसरा विकेट मिला है सुनील को। हरदीप बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और आउट हो चुके हैं। हरदीप सिंह इन्होंने बनाए 2 रन, गोरखपुर लायंस 171/5। शिवम शर्मा आए हैं नए बल्लेबाज और यहां पे विकेट लेने का मौका बन सकता है, बन गया जी बिल्कुल, चौथी विकेट इनके नाम सुनील के। क्या बढ़िया गेंदबाजी करी इन्होंने, पावर प्ले के अंदर नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करी और फिर आखिर में 18वां और 20वां ओवर वहां पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी, बिल्कुल भी रन नहीं दिए इन्होंने। 5 ओवर में सिर्फ 38 रन बने और 4 विकेट गए, गेम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया तेज गेंदबाजों ने, खासतौर से सुनील ने। जुरेल ने शानदार अर्धशतक लगाया 66 रन 34 गेंदों पर और आर्यन ने भी अर्धशतक लगाया, 52 रन बनाए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पर। अक्षदीप ने 26 रन बनाए, उसके बाद इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, इतने बड़े स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज रन नहीं बना पाए। तो आखिरी 5 ओवर थे वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए सुनील ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैच में अपनी टीम की वापसी करवाई। राशि रुद्राज को चाहिए 174 रन 20 ओवर में 8.970 रन पर ओवर की रेट से। शिवा सिंह 13 मैचेस 108 रन, और सामने होंगे यश दयाल जिनका अनुभव और बढ़ चुका है। पहली गेंद खेल रहे थे शिवा सिंह और उन्होंने जड़ दिया है छक्का, गजब का शॉट है ये, पहले ताकत तो अब नजाकत, नियंत्रण नहीं और हवा में गेंद, क्या ये हो सकता है कैच? ओ पहुंच तो गए थे वहां तक लेकिन पकड़ नहीं पाए गेंद को, ये लग गया बल्ले के बीचों बीच, करंट दहाड़ना शुरू कर चुके हैं। शॉट बल्ले से लगते ही बस ये भी 6 है और ये गेंद भी जा ही रही है चौके की ओर, जी हां पहुंच जाएगी। हवा में है गेंद, ओ आखिरी क्षण में छूटा है लेकिन भाग अभी भी रहे हैं, याद रखिएगा क्योंकि बॉल इन प्ले हो सकता है, रीप्ले बताएगा आपको कि हकीकत क्या है। ये ब्रिलियंट एफर्ट, ये अक्षदीप नाथ है वहां पे मौजूद, ये बचा लिया रन, ओ बाहर निकल के आए हैं, गेंद को बाहर ही भेजेंगे 6 रन के लिए, फिर से इस बार स्लॉग स्वीप, वो भी फ्रंट ऑफ स्क्वायर, अच्छी गेंद बोल्ड कर लिए। अंकित ने स्ट्राइक किया है, 17 रन दिए थे पिछले ओवर में लेकिन इस ओवर में स्पॉट ऑन, करण को भेजा पवेलियन। करण शर्मा अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, 15 गेंदों में 21 रन बनाए, काशी 56/1। शौकत इंपैक्ट प्लेयर है, महत्वपूर्ण मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, यहां रन मिलेंगे, गति का बढ़िया तरीके से फायदा उठाया और मिलेंगे भी 6 रन। बाहर गैप में 4 रन, और रन बनाएंगे यहां पे, और रन बनाएंगे 88/1 9 ओवर की समाप्ति और उसी के साथ कवर्स अंदर आते हुए, बारिश हो चुकी है तेज और जो बूंदाबांदी से शुरू हुई थी अब पूरे तरीके से बारिश ही है, ये फुल फ्लेज्ड रेन। समय 88/1 डीएलएस
पास स्कोर 9 ओवर के बाद 66, इसका मतलब है कि 22 रन आगे है और अगर मैच नहीं होता है आगे तब डीएलएस के मुताबिक ये मुकाबला जो है वो काशी रुद्रज के नाम हो जाएगा। इस समय जो पिक्चर बनी है गोरखपुर ने बनाए थे 173 6 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद, कप्तान जुरोल ने बनाए 66 रन, आर्यन जोयाल ने फिर से अच्छी पारी खेली, अर्षद के 52 रन, अवधीप नाथ 26। गेंदबाजी में सुनील ने जो चार